हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके दो पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। दो साल विकास के, हेमंत संघ विश्वास के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता को शताब्दी वर्ष तक देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का उपयुक्त समय है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 264 नए संक्रमितों की पहचान, 412 हुए स्वस्थ, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 2272। दिल्ली में झारखंड के भाजपा सांसदों ने संगठनात्मक मजबूती और भावी कार्यक्रमों की बनाई रणनीति, कांग्रेस विधायक राहुल गांधी से मिले, 3 दिनों का होगा चिंतन शिविर। और राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर होगा मौसम में बदलाव, कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने मानव जाति के सामने एक चुनौती पेश की है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण दुनिया भारत के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है। किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया। ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य, ये सभी आदरणीय सदस्यों से, इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे सदन के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के पेश हुए केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है। जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा, और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। सदन के दोनों सदनों में आज भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के पेश हुए केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर पार्टियों द्वारा की गई चर्चा के बाद सदन में उसका जवाब देंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया था।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि ट्रेन संख्या 12835 और 12836 यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस के बानो स्टेशन पर ठहराव पर विचार कर रही है। श्री मुंडा ने रेल मंत्री को पिछले वर्ष जुलाई महीने में बानो स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को लेकर पत्र लिखा था। इस मामले में रेल मंत्री ने श्री मुंडा के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए जल्द ही यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी का ठहराव बानो स्टेशन पर करने का आश्वासन दिया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 71,365 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 1,72,211 लोग स्वस्थ भी हुए। मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 71,365 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कारण 1,217 लोगों की जान गई, जबकि 1,72,211 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। वहीं अगर दैनिक पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो वो 4.54% पर पहुंच गई है। इधर झारखंड में कोविड के रोजाना मिलने वाले संक्रमितों और सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 18 जिलों में 264 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं राज्य में 5 जिले ऐसे हैं जहां 10 से अधिक संक्रमित मिले, शेष 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 412 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2,272 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,70,87,06,705 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 10 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं, जबकि 74,08,00,000 से अधिक दूसरे डोज के रूप में दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि कल 53,61,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 169 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 12 करोड़ से जो ज्यादा डोज हैं वो उपलब्ध हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने देश में कोविड रोधी एकल खुराक वाले टीके स्पुतनिक लाइट के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत के केंद्रीय दवा प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है। झारखंड के भाजपा सांसदों की कल नई दिल्ली स्थित संसद कक्ष में बैठक हुई। राज्य में भाजपा के तीनों बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भी इस बैठक में थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि बैठक में राज्य की समस्याओं, राज्य सरकार की विफलताओं और केंद्रीय बजट में राज्य को मिलने वाले लाभ सहित आगामी कई कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इधर कांग्रेस विधायकों ने भी कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इसमें पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य पार्टी विधायक मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 17 से 19 फरवरी तक रांची में चिंतन शिविर आयोजित कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री गांधी को झारखंड सरकार की ओर से कृषि ऋण माफी समेत अन्य विकास योजनाओं की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने 2 साल की अवधि में गठबंधन सरकार की ओर से वायदे को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में भी जानकारी दी। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता अपने 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों, स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों और कोरोना काल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र में हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर आज सवेरे एक मालगाड़ी में आग लग गई। रेल मैनेजर शशिकांत भारती ने बताया कि कोयला लदी मालगाड़ी धनबाद से हरियाणा जा रही थी, जिसमें आग लग गई। इस घटना के बाद गिरिडीह एवं धनबाद से आए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना के बाद कई ट्रेनों को जहां तहां रोकना पड़ा, हालांकि कुछ देर बाद रेल परिचालन शुरू कर दी गई है। कुछ आल पत्ती का लोगों ने किया तो छह का पाया गया है। किस तरह से आग काबू पाया यार? फायर फंड ने अभी इन पर टाइप किया रही यार। कितने गाड़ी चाहिए? छह गाड़ियाँ। उग्रवाद प्रभावित खूंटी जिले में पुलिस और अर्ध सैन्य बलों की ओर से नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए साझा अभियान चलाया जाता रहा है। वहीं ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर समय समय पर सामुदायिक पुलिसिंग का भी आयोजन किया जाता है। खूंटी जिले के फूदी स्थित कोबरा 209 बटालियन की ओर से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोरोना काल में लगातार जरूरतमंद और गरीब परिवारों के बीच राशन तथा आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जाता रहा। इसके अलावा बुजुर्ग ग्रामीणों के बीच कंबल और रेडियो का भी वितरण किया गया। बटालियन के डिप्टी कमांडेंट ने उम्मीद जताई कि जल्द ही खूंटी नक्सल मुक्त क्षेत्र होगा। देखिए, वर्ष 2010 के बाद से जब से 209 कोबरा यहाँ पदस्थापित हुई है, रांची के खेलगांव से खूंटी के अंदर हम लोग आए हैं, तब के बाद से निरंतर ही हमारे समादेष्टा महोदय और हमारी सारी टीमें मिलकर लोगों के लिए यहाँ पे कार्य करती रही हैं। यहाँ पे जो नक्सलवाद की समस्या जो मूलतः नष्ट इस तरीके से हो जाएगी और परस्पर शांति स्थापित होगी और विकास की ओर लोग अग्रसर होंगे। कंबल और रेडियो पाकर गांव की आम जनता बेहद प्रसन्नचित नजर आई। कई लोग कंबल ना लेकर रेडियो लेने के लिए उत्सुक नजर आए। रेडियो लेने वाले ग्रामीणों ने बताया कि वे इसके माध्यम से देश दुनिया की खबरें सुन सकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात भी सुन पाएंगे। ये कोबरा बटालियन 209 की तरफ से है। गरीबियों के लिए यहाँ बीच बीच में कोबरा की ओर से हर समय कुछ ना कुछ वितरण होते रहता है। जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो गरीब महिलाओं, बूढ़ा बूढ़ी लोगों को ये लोग कंबल दे रहे हैं, जवान लोग को अपना रेडियो दे रहे हैं कि अपना न्यूज सुन सके। यही सब इन लोग का प्रोग्राम है। खेल जगत में भी हॉकी देते हैं, फुटबॉल देते हैं, जर्सी देते हैं, माने बीच बीच में कोबरा की ओर से हम लोग के यहाँ प्रोग्राम होते रहता है। भैया समाचार मार के सुनबो, पढ़ा लिखल तो ना खो, बाकी सुनबो मैं खोलबो और सुनबो का बोले ला सके मनोरंजन के लिए। रेडियो से हम समाचार सुनेंगे और हमारे प्रधानमंत्री की आवाज सुनते हैं, सुनेंगे और अपना मनोरंजन करेंगे। इसमें मनोरंजन करेंगे समय समय पर और इसमें समाचार सुनेंगे और देश विदेश का खबर जानकारी लेंगे, खूंटी का भी समाचार सुनेंगे। कोबरा बटालियन की ओर से खूंटी में स्थायी कैंप बनाकर लगातार नक्सलियों की सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही खूंटी उग्रवाद मुक्त जिला बन जाएगा। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश व्यास ने रांची जिले में स्थित जोन्हा और गौतमधारा जलप्रपात का अवलोकन किया। उन्होंने गौतमधारा की प्रकृति की खूबसूरती को निहारते हुए कहा कि झारखंड को प्रकृति ने अत्यंत ही खूबसूरती प्रदान की है। यहां झरने, जलप्रपात, नदी, पहाड़ और घने जंगल बहुत ही मनमोहक हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनने की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान राज्यपाल ने उपस्थित अधिकारियों से स्थानीय लोगों के रोजगार और स्वरोजगार के संदर्भ में जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी जानकारी ली।
इसराइल को युवा किसानों का देश कहा जाता है और हाल के कुछ दशकों में इसराइल ने नई तकनीक के साथ खेती करके पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। झारखंड सरकार की ओर से भी कई किसानों को प्रशिक्षण के लिए इसराइल भेजा गया था और इसराइल से लौटकर देवघर के किसान भी नई तकनीक अपनाकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इसराइल से प्रशिक्षण लेकर लौटे देवघर के उन्नत किसान वकील यादव न सिर्फ खुद नई आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं बल्कि दूसरे को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक्चुअली 2018 में मुझे खेती से संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से इसराइल था। वहाँ पे मैंने बहुत सारे जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया या फिर बहुत तरह का फल है, सिट्रस हो गया, बागवानी हो गया, वहाँ पे बहुत उन्नत तरीके से खेती लोग कर रहे थे, उसको देखने का मौका मिला। साथ ही साथ कम पानी में कैसे खेती की जाती है, पानी को कैसे हम बचा सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे देखने को मिला। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद प्रयास 2018 से ही कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भी अच्छा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का तकनीकी को जो है सो जानकारी दे रहे हैं। महिला सखी मंडल की महिलाएं भी सामूहिक रूप से 10 एकड़ जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती कर इस बार अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही हैं। सब ग्रुप मिली लगाया सर, विटामिन है सर, और बाद महंगाई बिकता है, और बाद अभी इस्तेमाल करते हैं सर कि अभी फसल फर्स्ट लगाया। सरकार हमें मदद दी है, उसके लिए हम लोग स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाए हैं। इस मिट्टी में सक्सेस होता है उतना, लेकिन कम होता है। कृषि विभाग के अधिकारी और JSLPS की ओर से भी किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। देवघर जिला में स्ट्रॉबेरी का खेती जो है वो कन्वर्जेंस के साथ हो रहा है। इसमें कृषि विभाग, बागवानी विभाग और जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे BTM ATM है वो, और हमारे लाइवलीहुड के FTC और BRP हैं, उनके सहयोग से हो रहा है। तो पूरे देवघर जिला में लगभग 10 एकड़ में खेती हो रहा है विभिन्न प्रखंडों में, और इसका परिणाम जो है वो इस साल बेहतर आया है। तो मुझे लग रहा है कि आगे इसको और ज़्यादा एकड़ में फैलाया जाएगा और जो दीदियों का लाभ होने का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा बढ़ेगा और वो काफ़ी उत्साहित होकर करेंगे। सरकार के प्रयास और किसानों की मेहनत से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य के किसानों की आय में आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ोतरी हो सकेगी। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। राज्य के 5 जिलों हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ में 36 घंटे के बाद कल शाम से इंटरनेट सेवा फिर से सामान्य रूप से बहाल कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बहाल होते ही लोगों में खुशी देखी गई और लोग अपने लंबित कार्य को निपटाते नजर आए। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में फिर से बारिश के आसार हैं। रांची सहित पूरे राज्य में आज और कल बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत आज राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कल उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई। दो दिनों की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। विभाग के अनुसार 11 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच दिन के 1:30 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है और आज का मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेगा। मुकाबले में टीम ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ओवरऑल बेहतर तस्वीर पेश की। खुद कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में दिखे और 60 रन की पारी खेली। हालांकि विराट कोहली और ऋषभ पंत का सस्ते में आउट होना जरूर टीम को खला, इसमें भी खास तौर पर विराट कोहली का आउट होना। वैसे सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा ने जिस तरह से फिनिशिंग दी उससे जरूर टीम को राहत मिली है। गेंदबाजी की बात करें तो यहां युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी ने अपनी अहमियत को एक बार फिर से सामने रखा, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी नई गेंद से प्रभावी दिखे। वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम के लिए दूसरा वनडे ही सब कुछ है, क्योंकि अब यहां हारे तो सीरीज हार जाएंगे।
वैसे देखा जाए तो पहले मैच में टीम का बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह से फेल रहा। जैसन होल्डर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस टीम को सीरीज में बने रहना है तो सबसे पहले टीम को पूरे 50 ओवर खेलने की आदत डालनी होगी, जो फिलहाल इस टीम के बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। गेंदबाजी में भी टीम का पैनापन गायब रहा और भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल हो ऐसा दिखा नहीं। वैसे वेस्टइंडीज की टीम को आयरलैंड के हाथों वनडे सीरीज गंवानी पड़ी थी, ऐसे में टीम यहां अब एक और वनडे सीरीज नहीं गंवाना चाहेगी। लेकिन चाहने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तो प्रदर्शन से, जो फिलहाल इस टीम के खिलाड़ियों के बल्ले और गेंद दोनों से गायब है। FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने शानदार तरीके से अपने अभियान की शुरुआत की है। भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका में पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से हरा दिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शीर्ष एथलीटों के साथ मिलकर प्रथम फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय दौर से पहले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। क्विज प्रतियोगिता कल से शुरू हो रहा है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 189 जिलों के 360 स्कूल भाग लेंगे। जरिए सामने रखने के प्लेटफॉर्म फिट इंडिया क्विज एक बार फिर से सामने है। पहली बार फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय चरण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 189 जिलों के 360 स्कूलों की भागीदारी देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है। ये एक वेब आधारित दौर होगा जिसमें 8 से 32 टीमें स्टेट चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसे सोशल मीडिया पर वेबकास्ट भी किया जाएगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 स्कूल टीमों के विजेता इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रीय दौर में जगह बनाएंगे। क्विज की पुरस्कार राशि 3.25 करोड़ है, जो क्विज के विभिन्न चरणों में विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा की गई इस पहल से जुड़ने का सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं। फिट इंडिया क्विज में देश के कोने कोने से भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जी जान लगाकर एवं दिमाग से फिट इंडिया क्विज में भाग लेंगे और अपने विद्यालय, परिजनों एवं राज्य का नाम रोशन करेंगे। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए देश के कई जाने माने खिलाड़ियों ने भाग लेने वाले छात्रों को आगामी राउंड के लिए शुभकामनाएं दी। फिट इंडिया क्विज के सारे पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। क्या आपको लगता है कि आपका स्कूल है तैयार बनने के लिए इंडिया का पहला फिट इंडिया क्विज चैंपियन? फिट इंडिया मूवमेंट लाया है इंडिया का सबसे बड़ा फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज, जिसमें आप जीत सकते हैं 3 करोड़ 25 लाख तक के प्राइजेस। तो आइए चेयर करें अपने स्टेट को बनने के लिए इंडिया का पहला फिट इंडिया क्विज चैंपियन। माई बेस्ट विशेस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ फिट इंडिया क्विज फॉर द स्टेट वेब राउंड। Give your best and may the best state win. Fit India Quiz सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। क्विज का मुख्य उद्देश्य देश के समृद्ध खेल इतिहास के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें देश के सदियों पुराने स्वदेशी खेलों और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल नायकों के बारे में बताना है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला जिले के भरनो प्रखंड अंतर्गत वनटोली गांव में करंट की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई है। खेत में हाथी का शव देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की जा रही है। रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र के मोरी बरकाकाना रेलखंड पर स्वर्णरेखा रेलवे ओवर ब्रिज पर युवक युवती का शव बरामद किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका की हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने सीएससी ओलंपियाड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आराध्या कुमारी और करण कुमार को प्रशस्ति पत्र और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त लैपटॉप देकर सम्मानित किया। साथ ही दोनों होनहार विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने धान अधिप्राप्ति के लिए 10 फरवरी तक सभी किसानों को एसएमएस भेजकर सूचित करने का निर्देश दिया है। वहीं 10 फरवरी के बाद भी पैक्स में धान नहीं पहुंचाने वाले किसानों को पुनः एसएमएस भेजने को कहा गया है। उपायुक्त ने अन्य विभिन्न विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को वितरण प्रणाली के दुकानदारों को खाद्यान्न का वितरण ऑनलाइन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत कार्यरत ऑनलाइन ऑफलाइन जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन ई पॉस मशीन से वितरण के बाद संबंधित एंट्री ऑनलाइन जरूरी है। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन, आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। रांची और नामकुम रेलवे स्टेशन के बीच फाटक को विकसित कर चौड़ा किया गया है। इससे जाम की समस्या से मुक्ति मिली है। इस कार्य के पूरा होने से ट्रेनों के आवागमन में बहुत सहूलियत हुई है और आमजन को राहत मिली है। पलामू जिले की चैनपुर और छतरपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दोनों थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा की गई अलग अलग कार्रवाई में दो हथियारों के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर मामले में दो युवक फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड समिति और विशेष केंद्रीय सहायता की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य को गति देने पर जोर दिया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के पहले हजारीबाग के उपायुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना, खाद्य आपूर्ति, राजस्व, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, कृषि, पेयजल और अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 264 नए संक्रमितों की पहचान, 412 हुए स्वस्थ, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 2272। दिल्ली में झारखंड के भाजपा सांसदों ने संगठनात्मक मजबूती और भावी कार्यक्रमों की बनाई रणनीति, कांग्रेस विधायक राहुल गांधी से मिले, 3 दिनों का होगा चिंतन शिविर। और राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर होगा मौसम में बदलाव, कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। गंधार धारिणी लता मंगेशकर, एक सुरमई स्मरण। नमस्कार, इस धरती पर कोई संगीत प्रेमी होगा जिसे गंधार धारिणी लता मंगेशकर का सुरेल स्वर पसंद ना हो। स्वर सम्राज्ञी, गान कोकिला, गंधार धारिणी पद्मभूषण, भारत रत्न ऐसी अनगिनत खिताबों से नवाजा सुरमई व्यक्तित्व की धनी का नाम लता मंगेशकर।